एवं साथी कलाकार बहुत सुंदर घटना लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। वक्त की मार उर्फ भाई का फर्ज। ए भैया, कहानी मन लगा के सुनिहा तो एकदम शीशा नियन साफ साफ झलक जाई। मास्टर चार लाइन भूमिका हो। कि कर्म से आदमी बनता इंसान है, कुकर्म से वही दानव कहता। जन्म से कभी कोई पंडित नहीं, कर्म करी मनौता कमानव कहा। जग में बेगाना कहे भैया बतावल जाला, कर्म से ही आदमी का मान और सम्मान है। कर्म जैसन करबा वैसने फल मिली। ए मास्टर, एगो कौवाली हो। अरे जहाँ आदमी बिकाला, कि जहाँ आदमी बिकाला दौलत पे ना तू रखना, दौलत पे ना तू रखना। कुछ यही रह जाई, लेकिन बढ़िया कर्म करबा मीत तो युगो युग तक नाम रही। ए मास्टर, यहीं से हमरे कहानी का शुरुआत हो। चार लाइन नजम का शहर हो।
पत्नी का नाम रेणु बतावल जाला, तीन गो लड़का रहलन अमन आजाद लक्ष्मीना। ए भैया परिवार बड़ा खुशहाली से चलत हो, लेकिन कुछ दिन बाद बाबूजी जोन परिवार के मुखिया हो उ नशा का आदि हो जाला, दारू का गांजा का लत लग जाले। यही से धीरे धीरे परिवार में भैया बड़ी, बड़ी, बड़ी गरीबी देखे के मिलत हो। परिवार का दशा दिशा सब खराब हो चल जात हो। ए भैया कुछ दिन बाद चिंता के मारे माई का तबियत खराब होके लगल। आ जब माई का तबियत खराब होके लगल तो यह सोचे कि ए प्रभु हमार तीन गो लड़का कैसे जीवन यापन करिहन, पति हमार एह गहुन, हम मरे वाला है, प्रभु नैया कैसे पार होई। तो एक दिन माई सब के इकट्ठा जुटा के एगो बात कहत है। यहाँ मास्टर एगो धुन लगल, क्या बात है?
समझावती हो अपने पति देव की, ए जी राव रहन सहन ऐसे ही रही तो है लैकवा कुल बेपर हो जाई है, बतावतिया दारू तुहरा बाटे ना फिकिरी। रोवे लल सुगानावा, ओ रोवे लल सुगानावा, छूटा ला परानावा, रोवे लल सुगानावा, छूटा ला परानावा, रोवे लल सुगानावा, छूटा ला परानावा। समझावत रहली लेकिन बाबूजी पियक्कड़ हुवन का पता, माई समझा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, रहोगी ना रहोगी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा दिया पहुंच गए ठीका पर, बाबूजी ठीका पे पहुंच गए, यहाँ लड़का कुल माई के लेके गोदी में सुतौले हुवन, आरी आरी छोप के बैठल हुवन। यह समझावत समझावत भैया तब तक माई का दम टूट गया। आ जब माई का दम टूट गया लैकवा कुल भोकर भोकर लगल रोवे, कैसे भैया अगो गीत बा, यह हो अरे जहिया से स्वाति श्याम यही भाव में भैया कहना है
लड़का कुल रोवत हुवन मतारी जौने समय मरल हो, रोवत रोवत सब लड़का परेशान हुवन। हाय माई अब हमन के नहिया के पार के लगाई, बाबूजी तो दारू पी के मस्त रहेलन, लेकिन फिर भी माई के ना रहले पर बाबूजी के बतावे जात हो कि ए बाबू माई मर गई है। यह संदेश लेके ठीका पे पहुंचत हो। राजाई के यमाना कुल कहेला न बतिया, भगा देलन बेवकूफ कहीं का, क्या लेने आया है मेरे पास। लड़का लाचार हो भैया, घर का बड़ा लड़का है, मन सोचत हो कि अब छोटका भाई बहन के परवरिश कैसे हुई, लेकिन ये भैया कलेजा मोट कह के कहलस कि मेहनत करब, अपने दोनों भाई बहन के पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करब, लेकिन भैया इतना मुसीबत हो तेरी के भाव लगल। अरे समैया कवनी वो रले जाई हो, हाय समैया कवनी वो रले जाई, अरे छोड़ के गैलू माई अध जलवे में नैया नैया नैया। ए भैया इतना मुसीबत हो कि भाई बहन के पढ़ावत हो, मजूरी करत हो, मजूरी धतूरी करत, एक दिन ऐसन भयल कि बहन भी भैया सयान हो गई। अब चिंता सतावे लगल कि बहन के शादी ब्याह हो जात तो हमहू छुट्टी पा जाई तो न भाई अपन कोनो तरीके से जिंदगी बिताई। यही बीचे भैया शादी विवाह देख लगलन, गांव जवार वाले सपोर्ट कैलन थोड़ा सा, तो एगो शादी तय हो गई। गीत लगल भैया वा बड़ा बढ़िया धुन के संकेत हमरे मास्टर करत हुवन। अरे हम तो हाई पढ़ल ससुर जी जान पढ़ल आप की टाटर मांगी ले जहिया मांगी ले जहिया लेकिन कहना है अमनाया जात घर में लक्ष्मी ना सयानी, कैसे के बची कैसे के बची पानी या हो भोला तानी।
कैसे के बची पानिया हो भोला दानी। ए भैया यह परेशानी रहल कि बहिन सयान रहल, शादी ब्याह देख के गांव जवार वाले बतौले सपोर्ट कैलन तब ब्याहे का दिन रखा गई। अब बहिन का ब्याह हो तो कैला सगाई लक्ष्मी चलाली ससुरारिया हो। सूर्य का चुनारिया हो, ससुर का चुनारिया। अरे बाबू राम परवेश पी के कर मन मानी कैसे के बची कैसे के बची पानी आओ भोला दानी। अच्छा भैया कोनो तरीके से बहन का ब्याह तो निपट गेल, बहन गई ली अपने घरे, दोनों भाई हुवन, भाई के मेहनत क के पढ़ावत लिखावत हुए, अयहर बाबूजी के वह दशा हो, दारू पी के कहीं यह चौराहे कहीं वह चौराहे कहीं यह खेते कहीं वह सिवाने भैया लोटल पड़े हैं गिरत रहे हैं। तो यहाँ भैया विदेशिया का भाव लगल, माली बिना बगिया लिखल जावन भगिया में, सूरज बिना कैसे होई बिहान रे विदेशिया। अरे माई का दुलार छूटल अब का प्यारा छूटा, बाबूजी के टूटल यार मन रे विदेशिया। अरे नसावा में बुताओ के ओई रोडावा पे सूती गईल गड़िया पारान रे विदेशिया। अच्छा भैया देख अमन बहन के शादी कर दिलन आजाद के पढ़ावत लिखावत हुन, पढ़ावत लिखावत भैया उनके कोनो नौकरी करे योग्य बना दिले हुन, लेकिन तब तक एगो घटना फिर घट गई कि बाबूजी भी नशा में होके वही रोड पे कहीं सूतल रहलन, आ गाड़ी आई चढ़ गई बाबूजी चल गई। बाबूजी भी जब मर गई तो लैकन के ऊपर और भी दशा गहरा गई। बाबू भले कुछ ना करत रहलन लेकिन एक साया रहल बाबूजी है उन, अब तो अमन और भी टूट जाता है। तो सोरठी के भाव लगल, माई काया चरिया छूटल बाबू का तुलारा वायर, बाबू का तुलारा वाओ आ मनाया जाद काई हया ना रा।
केहू नाही लऊ के सगरो लऊ के लाया नारी आयर लऊ के लाया नारी आओ विधा ना छोड़ा माई चाहे बाबू या मन कर माजा दूरी आओ कर माजा दूरी आओ दुखावा में काटे दिनो रात नौ राम किया हो बतौलिए भैया कि अमन आजाद के पढ़ा लिखा के नौकरी योग्य बना दिहलस। अमन का छोटा भाई आजाद जाके जगह जगह दौड़ मारत हो भर्ती देखत हो, लेकिन ये भैया जहाँ जाला तो पता चला ला कि वहाँ कुछ पैसा के जरूरत होले, तेही से छट जाला। आके अपने बड़का भाई से एगो बात कहे लगल कि भैया ऐसे नौकरी ना मिली, कैसे गीत का भाव लगल भैया। लेकिन भैया आजाद अमन से एगो बात कहत बा, अच्छा भैया अमन से जाके आजाद कहत हुवन कि ए भैया जहाँ पे तू मजदूरी करे जाला वही जो हमहू चलब मजदूरी करे भैया, काहे कि जहाँ जहाँ नौकरी देखे जाइला सब जगह सब कोई पैसा मांगेला भैया, या तो मजदूरी करे या फिर घर द्वार बेच के लाख दो लाख रुपया का व्यवस्था हो जात तो नौकरी मिल जात। बहुत खराब दशा हो गई बा भैया, बता बता पढ़ा लिख के मिला लो ना चाहे ना।
बतावत हो कि ए भैया पढ़ लिख के नौकरी मिला बड़ा कठिन हो गया हो, लगा था कि घर द्वार बेचा जाई, ए वजह से भैया हम तोरा साथे नौकरी करे चलब। उसे अमन सुन ले उन कहलन कारे पगला, यही बदे हम मजूरी धतूरी करत थी तो के काम कर बदे कि खेत जगह जमीन बेचे खातिर पगला, बहुत बड़ी बात कह गई ले। तू जाके खूब बढ़िया से रियाज मार, दौड़ देख, भर्ती देख, जा बाबू तोरे बदे व्यवस्था हम कर पैसा के, कहीं से भी या पापट का भाव लगल भैया। अमन का करत हो भैया? अरे बेचब हम की डनिया कोई खरदारी बाड कटरिया में, अरे बेचब हम की डनिया कोई खरदारी बाड कटरिया में, आ घूम घूम के चल गेलन अपन नजदीक के मार्केट में आ कहलन कि ए बाबू हई केहू किडनी बेचत है, किडनी के केहू खरीदार बा हो, 2 लाख रुपया केहू दे देता तो हम अपन किडनी बेच दे। ए भैया यह चिल्लात हो, तब तक का भयल? अरे तबले एगो बुढ़िया आइल आ करेले रुदनवा हो, आ किडनी बिना मरी जाई ए बाबू मोर सुगनवा हो, जिकरिया वही बजरिया में। ए भैया यह चिल्लात हो उनकी किडनी बेचब केहू खरीदे वाला बा हो, तबले भैया एगो बुढ़िया मतारी जैसन रहल, ओकरे लड़का के किडनी खराब हो गई रह भैया, रुपया लेके टहरत रहे, ओके भैया किडनी का जरूरत रहे ओके रुपया के जरूरत रहे, दोनों लोग भेटा गए अमन और बुढ़िया मतारी। माई काली बाबू पैसा ला है किडनी दा, हमारे लड़का के जान बच जाई तो बुढ़ाई का सहारा हो जाई, ए भैया वही किडनी बेच देता है भाई। आज देखिए भाई भाई के लिए कितना बड़ा जो है काम किया है, किडनी भैया बेच देता है, किडनी बेच करके ले जाकर अपने भाई आजाद को 2 लाख रुपया दे देता है और कहता है कि जा भाई जहाँ देना है दे दे और नौकरी कर ले। ए भैया ले जाके 2 लाख रुपया दहले हुए ना नौकरी पाई गई, नौकरी पाई गई तो बड़ा खुशी खुशी दिन बीते लगल, आ जब खुशी खुशी दिन बीते लगल तो यही बीचे ओकरे बड़का भाई अमन का तबीयत खराब होके लगल, काहे कि किडनी बेच दहले रहलन। जब किडनी बेच दहले भैया तो आल्हा का भाव लगल। हाय राम और सूरज बिना घाम कबो धरती पर न होला भैया, करो सनी ना चंदा बिना हो,
दिन बाद बिगड़ल अमन का हलतिया भैया आजाद लेके डॉक्टरी पहुंचल हुए डॉक्टर साहब से कहलन कि ए डॉक्टर साहब रुपया पैसा चाहे जितना लग जाए लेकिन भैया का हमरे तबियत ठीक होके के चाहिए। डॉक्टर साहब सारी जांच कैलन और जांच के बाद जब रिपोर्ट आई बतावे लगलन कि ए बाबू इनके पास तो किडनीये ना हो, किडनीये ना हो तो कहाँ से ठीक हुई है। जब इतनी बात सुनलस आजाद कलेजा पे सांप लौटने लगा। अरे भैया का बात है, भाई से रोए के पूछे लगे कि ए भैया किडनी का का बात हो, किडनी तोहार कैसे गायब भइल बतावा ना भैया। तब बतावे लगल कि पागल तोरे नौकरी के बदे किडनी बेचली है तब ने 2 लाख रुपया देले रहली, तू खुश हुए सब कुछ हमके मिल गया। ई हो भाई भाई के प्रेम। कलस की पगला तू खुश हुए हमके सब कुछ मिल गया। लेकिन ए भैया रोए रोए आजाद जवन हो अमन के अपने गले से लगावत हो तो आजाद अमन एगो बात कहत हो। कहत हो अरे भाई भाई वाला फर जवानी भवली बीरना, अरे भाई भाई वाला फर जवानी भवली बीरना, तमाई का वादा जवन कैली वो चुकवली बीरा। कुर्बान हो सकेला, लास्ट में गुरु घराना का परिचय हो। अरे गुरु बिहारी पत्तू छे बर बर सुख नंदन मन मीत, आकाशी बुल्लू वेद प्रकाश बिगन संग है राम हित। अरे समय कम